सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के और बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। बेटा पैदा नहीं किया तो ससुराल वालों ने ले ली जान। धड़ल्ले से हो रहा अवैध निर्माण, ना सरकार को ध्यान ना ही निगम को परवाह। दिन दहाड़े महिला को गोलियों से किया छलनी। अब खबरें विस्तार से। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के थाना केशवपुरम इलाके के शांति नगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज और उससे बेटा पैदा करने के दबाव में हत्या करने का आरोप लगाया है। राजधानी नई दिल्ली में जहां एक तरफ गैर कानूनी इमारतों को सील करने की कार्रवाई शुरू है, वहीं दूसरी तरफ गैर कानूनी तरीके से खुलेआम अवैध निर्माण भी चरम पर चल रहा है। पुराड़ी इलाके में पिछले दिनों मॉनिटरिंग कमेटी की बड़ी कार्रवाई के बाद भी नई अवैध कॉलोनियां खुलेआम धड़ल्ले से काटी जा रही है। राजधानी के द्वारका इलाके में सोमवार को एक महिला को दर्जन भर गोलियों से भून दिया। इससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जिसकी हत्या की गई वो महिला जेल में बंद बदमाश राजीव की लिव इन पार्टनर थी। वही यह महिला अपने पति की हत्या की साजिश में भी गिरफ्तार हो चुकी थी। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।